देश में लोकसभा चुनाव होने के बाद जैसे ही एग्जिट पोल आया, मध्य प्रदेश की राजनीति में भी घमासान मच गया। निर्दलियों के समर्थन में चल रही मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार का पूरा ध्यान निर्दलियों की तरफ है और उसके बाद से निर्दलीय विधायक भी मुखर होते जा रहे हैं। खरगोन जिला के भगवानपुरा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक केदार डावर एक ओर तो कांग्रेस को अपना परिवार मानते हैं। उनका कहना है कि मैंने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया है और समर्थन मेरा जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उनके क्षेत्र की जो जनता है वह चाहती है कि भगवानपुरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब से विधानसभा का गठन हुआ है तब से आज तक भगवानपुरा क्षेत्र को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और भगवानपुरा क्षेत्र के लोगों ने अपनी भावनाओं को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाया है। क्षेत्रीय विधायक खुलकर तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनका भी मानना है कि इस क्षेत्र में आदिवासी मंत्री आज तक कोई नहीं बना है, पर अब प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं वो तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। वो ऐसे परिणाम जो एग्जिट पोल बता रहे हैं ऐसा कहीं होने वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद जो एक राजनीतिक हलचल जो मची हुई है वो भी अस्थाई है। मतलब कहने का कि ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए इतना वो बने माहौल, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल के बारे में भी चर्चाएं हो रही है। हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, भगवानपुरा विधानसभा के लगभग 40 लोग, जब मंत्रिमंडल का पूर्व में गठन हो रहा था उस समय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुख्यमंत्री जी से क्षेत्र की भावना से अवगत कराया है, और जब से विधानसभा धुलकोट भगवानपुरा गठित हुई है तब से आज तक उस क्षेत्र को मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो लोगों की भावना है, जनता की भी मांग है कि अब इस बार क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले। ऐसी बातों से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी से हमारे नेताओं की संतोषजनक बात हुई और उन्होंने जो आश्वासन दिया लोग उस पर कायम है। निश्चित तौर पे आगे जब भी मंत्रिमंडल गठन होगा तो क्षेत्र की जनता की भावना का पूरा पूरा ख्याल मुख्यमंत्री जी रखेंगे। क्षेत्र के विकास में भी मुख्यमंत्री जी हम लोगों को सहयोग खुद स्वयं तौर पे कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र की जो भी बातें जा रही है मुख्यमंत्री जी सहर्ष वो काम कर रहे हैं। क्या माने सर कि विस्तार के समय पर भगवानपुरा से प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्या आश्वासन मिला है? बिल्कुल, हमारे जो क्षेत्र के लोगों से, जो कार्यकर्ताओं से, नेताओं से जो बात मुख्यमंत्री जी ने से की गई है और उनको जो आश्वासन दिया है, हम निश्चित तौर पर हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में क्षेत्र को प्रतिनिधित्व जनता की भावना के अनुरूप मिलेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाएगी। नहीं, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो अब 15 साल से सरकार में रही है, उनको सरकारी दिख रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जो बीजेपी की जो महत्वाकांक्षा वो कभी पूरी नहीं होगी, तो सब लोग एक साथ हैं और एकजुट हैं। थैंक यू।